ये कुरुक्षेत्र और ब्लॉक का मैच शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छी टीम है, आसपास एरिया में बहुत नाम है, बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दर्शकों का उत्साह बहुत बड़ा हुआ है, बहुत उम्मीद है इन टीमों से। ब्लॉक और कुरुक्षेत्र बहुत ही नाम है इन दोनों टीमों का। हर खिलाड़ी अपने अपनी स्किल में माहिर है। किसी टीम में शॉट मारने वाला बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, तो यानी दूसरी टीम में डिफेंस करने वाला। बहुत ही टक्कर का मैच होने जा रहा है ब्लॉक और कुरुक्षेत्र के बीच। भारी से भारी संख्या में गांववासी भी पहुंचे हैं खुकनी ग्राउंड में, और सभी टीमों से अनुरोध किया जाता है कृपया आकर अपनी एंट्री जमा करा दें। सभी टीमों से अनुरोध है, और ये जितने भी दर्शक मैच देखने के लिए आए हैं कृपया आप ही के लिए मैट और कुर्सी बिछाई गई है, कृपया बैठकर मैच देखें। ये यहाँ पर नंबर वन ग्राउंड में प्रवीण जी जो रेफरी बने हैं बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने में माने जाते हैं। ये सभी से अनुरोध है कि कृपया बैठकर मैच का एंजॉय लें, मैट और कुर्सियां आप ही के लिए बिछाई गई हैं। शाबाश बढ़िया, शाबाश बढ़िया, शाबाश बढ़िया। ये यहाँ पर कलसोरा और ब्लॉक के बीच में बहुत ही अच्छा बेहतरीन मैच चलता हुआ। सॉरी, ये टीम की एंट्री आई है, उसके लिए मिस कम्युनिकेशन के लिए माफी चाहते हैं। ये कुरुक्षेत्र और ब्लॉक के बीच में बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ, दोनों ही टीमें बहुत ही उम्दा खेलती हुई है। दोनों ही टीमों में जाने माने खिलाड़ी खेलते हैं। चौधरी प्रदीप कांबोज जी चंद ही मिनटों में आपके बीच में पधारेंगे। दोनों ही टीम में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे कि बलोट में जीता फोगाट जी बहुत ही बेहतरीन खेलने के लिए माने जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारे रेफरी प्रवीण है उनकी भी नजर ठीक है, बाल को तुरंत देख काट लेते हैं किधर जा रही है, कौन सी लाइन पे लग रही है, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए माने जाते हैं। और इतने मच्छरों के बीच में बैठने से भी उनकी नजरें नहीं हट रही, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश बढ़िया। ये यहाँ पर प्रवीण जी के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, बहुत ही दिक्कत में है, मच्छरों के बीच बैठे हैं रेफरी जी। बहुत ही बेहतरीन मैच है यहाँ पर, दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी खेलती हैं, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। शाबाश बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, ओ बढ़िया, अरे ओ बढ़िया, शाबाश। और ये जितनी भी टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, बढ़िया ओ बढ़िया, हो गया पक्का, पक्का हो गया पूरा। सभी टीमों से अनुरोध है जितनी भी टीमें यहाँ पहुंची हैं जल्द से जल्द अपना जो भी टीम मेंबर है उसको भेजकर अपनी एंट्री जमा कराएं, और बहुत ही उत्साह पूर्वक सभी दर्शक देखते हुए दोनों टीमों को कुरुक्षेत्र और ब्लॉक को बहुत ही उम्दा खेल चलता हुआ
बहुत ही बेहतरीन खेलने के लिए माने जाते हैं। सभी की नजरें दोनों तरफ के खिलाड़ियों पर गड़ी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन शॉट के लिए जाने जाते हैं जीता फोगाट जी, बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा। बढ़िया, ओ बढ़िया, हो गया पक्का, काट गया नंबर। मैंने लगा लाइट आ गया। सभी से अनुरोध है, जिन जिन के व्हीकल ये सड़क पर लगे हैं वो एक एक्टिवा गेट के पास ही दिखाई दी जा रही है, कृपया आपने जो भी ये व्हीकल है ना, ये एक्टिवा वाला जो कोई भी है जिसकी भी गेट के पास ये एक्टिवा लगी है उसको कृपया साइड में कर दें, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर जानी मानी हस्ती चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला जी पहुंचने वाले हैं, उनकी एंट्री में उनकी एक्टिवा की वजह से दिक्कत आ चुकी है, कृपया अपनी एक्टिवा को साइड में लगा ले, जिस किसी की भी एक्टिवा ये गेट के पास सड़क के बीच में खड़ी है, अगर कोई भी उनकी एक्टिवा को डैमेज होता है तो उसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। नल्लो पार्टी के उनका बहुत ही अभिनंदन करते हैं, चौधरी प्रदीप कामबोज जी का हाथ जोड़कर खुकनी वासी अभिनंदन करते हैं। ये चौधरी प्रदीप कामबोज जी जो नल्लो पार्टी के बहुत ही सीनियर और जाने माने निष्पक्ष लीडर हैं, उनका हम खुकनी वासी और सभी खिलाड़ियों की तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। चौधरी प्रदीप कामबोज जी सीनियर लीडर इन एलओ के सभी गांववासियों से अनुरोध है, जितने भी गांववासी सुन रहे हैं जल्द से जल्द यहां ग्राउंड में पहुंच के चौधरी प्रदीप कामबोज जी का जो अनुरोध है। ये जानी मानी हस्ती जसविंदर खैरा जी का घुकनी गांव में बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। ये जसविंदर खैरा जी का घुकनी ग्राउंड में अभिनंदन है, हमको हाथ जोड़कर बहुत ही अभिनंदन है कि वो हमारे बीच पहुंचे। जसविंदर खैरा जी जो कि जानी मानी हस्ती है वो यहाँ पर खुकनी ग्राउंड में पहुंचे हैं। जानी मानी हस्ती जसविंदर खैरा जी का खुकनी गांव वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जो कि यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। आज का युवा गेमी जाने माने नेताओं की वजह से बढ़ रहा है, जो कि खेल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि गांव गांव जाकर जसविंदर खैरा जी गांव गांव जाकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की वजह से युवा नशे से दूर और खिलाड़ी खेल में आगे बढ़ रहे हैं। जसविंदर खैरा जी का हाथ जोड़कर अभिनंदन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए। सभी गांववासियों से अभिनंदन है कि यहां पर घुकनी ग्राउंड में जसविंदर खैरा जी जो कि जाने माने लीडर है उनका अभिनंदन करें और जल्द से जल्द घुकनी ग्राउंड में भारी से भारी संख्या में पहुंचे और बहुत ही अच्छे मैच चलते हुए कुरुक्षेत्र और ब्लॉक के बीच, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। और सभी टीमों से अनुरोध है जो कि यहाँ पे पहुंच चुकी है, दिखाई भी दे रही है, कृपया अपने एक सदस्य को भेजकर कमेंट्री बॉक्स में अपनी एंट्री जमा कराएं, तभी उनका मैच किया जाएगा। और 7:30 बजे के बाद कोई भी एंट्री लेके आएगा तो उसकी एंट्री नहीं ली जाएगी, ये मैनेजमेंट का स्ट्रिक्ट डिसीजन है, उसके बाद किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। तो जो भी है 7:30 बजे से पहले कृपया अपनी एंट्री जमा करा दें। और फिर से जोरदार तालियों से जसविंदर खैरा जी का अभिनंदन खुकनी ग्राउंड में पहुंचने के लिए। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, बहुत ही बातचीत चल रही है कि जो भी टीमें पहुंची है 7:30 बजे से पहले अपनी टीमों की एंट्री करा दे, 7:30 बजे के बाद कोई भी एंट्री आएगी तो उनकी नहीं ली जाएगी, ये सीधा डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छे भी
तैयार आती है वो ले जाएं। ये यहाँ पर जो भी कोने में या कोई भी टीम बैठी है, जो भी मदद चला मैनेजमेंट की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि कृपया आकर अपनी एंट्री जमा करा दें, जो भी टीम है 7:30 बजे से पहले पहले। ये पंजाब की जिन जाल वॉलीबॉल जो की फेसबुक पेज है, वहाँ पर लाइव मैच का प्रदर्शन किया जा रहा है। कृपया जो भी अपने घर बैठकर देखना चाहते हैं, वो आसपास जाने का काम है, वो फेसबुक पर मैच देख सकते हैं लाइव। और ये जिस किसी की भी एक्टिविटी उसने गेट के पास से हटा लिया है, उसका हम अभिनंदन करते हैं कि उसने मैनेजमेंट का इतना साथ दिया हमारी सुनी। एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारी बात मानकर जिस किसी की भी एक्टिवा थी। और यहाँ पर बलोट का और कुरुक्षेत्र का मैच चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मैच है, जाने माने खिलाड़ी हैं। हर बंदा अपने अपने खेल के लिए माना जाता है। और जो हमारे रेफरी हैं प्रवीण जी, बहुत ही मुशक्कत में मच्छरों ने घेरा हुआ है, फिर भी नजर थी वाली पे। हेलो नमस्कार जी, कैसे सभी टीमों से अनुरोध है, जो भी टीम आती है कृपया अपनी एंट्री जमा कराए, जो कोई किसी भी कोने में बैठी है। मैनेजमेंट का डिसीजन है 7:30 बजे के बाद कोई भी टीम पहुंचेगी तो उसकी एंट्री नहीं ली जाएगी, तो कृपया 7:30 बजे से पहले जो भी टीम है अपनी एंट्री जमा करा दें। और ये जिस किसी के भी व्हीकल सड़क के बीच में खड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि अपने अपने व्हीकल को साइड में लगा ले,
किसी भी विकल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो उसका कोई भी मैनेजमेंट का सदस्य जिम्मेवार नहीं होगा। अपना व्हीकल कृपया साइड में लगाए, सड़क पर ना लगाए। और टेंट के पीछे पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है। किसी भी व्हीकल को अगर कोई भी हानि पहुंचती है तो उसकी कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन जिम्मेवार नहीं होगा। स्कूल से नहीं भालोट पंजाब के रोहतक साइड सभी टीमों से अनुरोध है, जो भी टीम यहाँ ग्राउंड में पहुंच चुकी है सभी टीमों से अनुरोध किया जा रहा है कि अपनी एंट्री जमा करा दें। मैनेजमेंट ने बोलने के लिए बोला है कि किसी की भी एंट्री 7:30 बजे के बाद नहीं ली जाएगी। जो भी टीमें पहुंच चुकी हैं कृपया अपनी एंट्री जमा करा दें। और यहाँ पर खुकनी गांव वासियों की तरफ से जसविंदर खैरा जी और चौधरी प्रदीप काम्बोज जी का हार्दिक अभिनंदन, जो हमारे ग्राउंड में पहुंचे और प्लेयरों का उत्साह बढ़ाया, उनको एडवाइस दी कि नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ जागरूक हों। ऐसे लीडरों के ही हमारे देश को जरूरत है, जो कि बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं, जो कि युवा को खेल की तरफ प्रोत्साहन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, नशे से दूर रहने की बातें करते हैं। ऐसे ही लीडरों को हमारे देश की जरूरत है। अनुरोध है कि जो भी टीमें ग्राउंड में पहुंच चुकी हैं वो कृपया अपनी एंट्री जमा करा दें। 7:30 बजे के बाद किसी भी टीम की एंट्री जमा नहीं की जाएगी, ये मैनेजमेंट का स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया है। 7:30 बजे के बाद सभी मैचों को फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी टीम अगर एंट्री देती है तो नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र और बलोट के बीच मैच चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ ग्राउंड नंबर 1 में और ग्राउंड नंबर 2 में भी। दोनों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई उमदा खिलाड़ी हैं, सब लोग अपनी अपनी स्किल में माहिर हैं। कोई अच्छा शॉट लगाता है तो कोई अच्छा डिफेंस करता है। काफी रोमांचक मैच चलता हुआ, सभी दर्शक बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए आनंद लेते हुए मैच का। और मैच का मोटिव यही है कि हेल्थ के प्रति अपने सावधान रहे, नशे से दूर रहे, भाग दौड़ करें, खेलें। नशा हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसा ही हमारे लिए क्या बोली मैच जी और चौधरी प्रदीप काम्बोज जी जो है यूथ को जागृत करते हैं, उनका हौसला उलझाई करते हैं, खेलों में आकर
ये लवली से पूरे की टीम की एंट्री हो चुकी है। ऐसे ही सभी टीमें जो भी यहाँ पहुंची है कृपया अपनी एंट्री जमा करा दें। जो भी टीमें पहुंची हैं यहाँ खेलने के लिए ही आई हैं, और जब तक नाम दर्ज नहीं होगा तो हम कैसे उनका खेल किसी टीम के साथ कर पाएंगे। शेखपुरा और लबुजी का मैच होने जा रहा है अगला। दोनों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन खेल रही है। अरे बोलिए क्या का मैच है, क्या हो गया? शेखपुरा और लबुजी किया जाएगा, बोलिए। और जो ऐसे कुरुक्षेत्र और जलोट के बाद शेखपुरा और लक्ष्मी का मैच, बोलिए क्या स्कोर हो गया? लक्ष्मी की टीम जो है जलोट टीम के, हेलो आ रहा हूँ, हाँ बोले। कुरुक्षेत्र के 6 पॉइंट और ब्लोर के बाद कुरुक्षेत्र का बालोट का चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन खेलती हुई। हाँ हाँ छोड़ा का 13-6-7 हो गई इसे। हाँ है, हाँ बोली पीस कर ले रहे हो, बढ़िया थोड़ा बढ़िया थोड़ा है है? करे है मार गिर दो लेन पे, अरे एक बिगाड़ दी, ठीक है ठीक से है। हाँ अम्बे थाली भर रही, हाँ थाली भर रही, हाँ बानिया असोनी शास्त्री बोली जीता मुन्ना बच्चीर में बोली ऑफ स्कोरिंग वे। हाँ ठीक है, पहुंच चुकी है, कृपया अपना ठीक है जमा कराए आकर। शेखपुरा और लक्ष्मी का मैच होने जा रहा है, शेखपुरा और लक्ष्मी का मैच होने जा रहा है थोड़ी देर में। बोलिए ओ बोलिए, अरे ओ बोलिए, अरे ये शेखपुरा ए और लबकरी बी दोनों ही टीमें 2 नंबर ग्राउंड में